मैं एक गांव की रहने वाली लड़की थी। मेरा एक देवर था। मेरा देवर बहुत पढ़ा लिखा और खूबसूरत था। जब उसकी शादी हुई तो शादी की रात मेरी देवरानी गायब हो गई। हर जगह तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद मेरे देवर की दूसरी शादी करवाई गई, लेकिन हर बार शादी वाले रात को देवरानी भाग जाती थी। सब परेशान थे। जब देवर की तीसरी शादी की गई और कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया गया, सुबह होते पूरे गांव के लोगों ने कैमरा देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो तो खुद हम गांव में रहते थे और हमारे गांव में कुछ साल पहले एक अजीबोगरीब हरकत हुई थी जिसे आज तक कोई नहीं भूल सका। मेरा देवर सोनू बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। उसकी शादी वाली रात एक अजीबोगरीब हरकत हुई। देवर की शादी वाली रात कोई देवरानी को अगवा करके ले गया और उसके बाद देवरानी कहीं नहीं मिली। कोई नहीं जानता था कि देवरानी कहाँ गई है और उसे कौन ले गया है और कहाँ ले गया है। घर वालों का और देवर का रो रो करके बुरा हाल हो चुका था। इस हरकत को एक साल गुजर गए और अब सब घर वालों ने देवर की दूसरी शादी करने का फैसला किया और देवर की शादी एक शिवन्या नाम की लड़की से हुई। शिवन्या बहुत खूबसूरत थी और देवर के साथ बहुत खुश थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही शिवन्या अचानक गायब हो गई, जैसे देवर की पहली पत्नी शादी वाली रात गायब हुई थी। इस पर सब लोग बुरी तरह परेशान हो गए और देवर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। सब यही सोच रहे थे कि सोनू की दूसरी पत्नी कैसे गायब हो सकती है। शिवन्या के घर वाले और हमारे घर वालों ने मिलकर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सोनू ने फिर इसे एक खासा समझकर अपना लिया, लेकिन इस पर गांव वालों ने इसे किस्मत का फैसला नहीं बल्कि उसकी बदकिस्मती समझा और पूरे गांव में सोनू के खिलाफ तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता कि सोनू पर ऊपरी साया है और वही सोनू का घर बसने नहीं दे रहा है, और कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि सोनू खुद ही अपनी पत्नियों को गायब कर रहा है। सोनू एक पढ़ा लिखा सीधा लड़का था। उसके बारे में ऐसी बातें सोचने को दिल नहीं करता था, लेकिन सच क्या है यह किसी को नहीं पता था। दूसरी पत्नी गायब हो जाने के बाद सोनू ने सब्र कर लिया। मेरी सास जिस जगह रिश्ता लेने जाती सब लोग मना कर देते। सोनू ने 3 साल तक शादी नहीं करी, लेकिन 3 साल के बाद हमारे पड़ोस गांव से एक लड़की का रिश्ता आया जिसका नाम रूही था। वो लोग सोनू के साथ होने वाले वाक्य के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने रूही का रिश्ता सोनू के साथ करा दिया। और हमारे घर वाले भी काफी डरे हुए थे कि यह रिश्ता भी हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए उन्होंने शादी तय कर दी। शादी में गांव के लोगों को शामिल करना जरूरी नहीं समझा गया। रूही सोनू की पत्नी बनकर हमारे घर आ गई। सब बहुत खुश थे, लेकिन सबके दिलों में कहीं न कहीं यह डर था कि रूही के साथ भी वो हादसा ना हो जाए जो सोनू की पहली दूसरी पत्नियों के साथ हुआ था। रूही बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। उसने सोनू और हम सबको दिल से अपना लिया था, लेकिन शादी के 1.5 महीने बाद उसके कमरे से एक चीख सुनाई दी। जब सब घर वाले दरवाजा तोड़कर कमरे में गए तो वहां पर रूही नहीं थी। रूही गायब हो चुकी थी और कहीं नहीं मिली। सब घर वाले रूही को ढूंढते रहे, यहाँ तक कि पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गई है। और रूही का भी वही अंजाम हुआ जो सोनू के दोनों पत्नियों के साथ हुआ था। इस हादसा के बाद तो गांव वालों को पूरा यकीन हो गया था कि सोनू पर जरूर कोई ऊपरी साया है, और लोगों ने सोनू से मिलना और बात करना बंद कर दिया। बल्कि गांव के कुछ लोगों ने मिलकर फैसला करा कि सोनू और हम सबको इस गांव से निकाल देते हैं। हम इस गांव में रहेंगे तो पूरे गांव को मुश्किल में डाल देंगे। हम सबको इस गांव से निकाल दिया गया था। हमने एक नए गांव में अपना घर ले लिया था और वहीं अपने घर में रहने लगे। हम जिस गांव में शिफ्ट हुए थे उस गांव में रुमझुन नाम की एक लड़की थी। लड़की तो नहीं कहा जा सकता था क्योंकि वो 36 साल की थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि 24 साल की लगती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ तेज तराक भी थी। रुंझुन और सोनू की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। हम जिस गांव में रहते थे वहां रुंझुन पूरे गांव में बदनाम थी। गांव वाले रुंझुन के खिलाफ अजीबोगरीब बातें करते थे कि वो मनहूस है वगैरह वगैरह, लेकिन रुंझुन सादी और मासूम सी लड़की थी जो पूरे गांव में बदनाम हो गई। रुंझुन के साथ ऐसा इसलिए हुआ था कि उसकी शादी के दूसरे दिन ही रुंझुन का पति हार्ट अटैक की वजह से मर गया। वो विधवा होकर अपने घर आ गई थी।
इस हादसा के बाद लोगों ने उसे बदनाम कर दिया कि रुंझुन मनहूस है और उसी के वजह से उसका पति इस दुनिया से चला गया। 2-3 महीने बाद गांव वालों ने यह सब बातें करना बंद कर दिया था। इसके बाद रुंझुन के घर वालों ने उसकी शादी एक बहुत अमीर घर के लड़के से कर दी, लेकिन किस्मत को शायद यह भी मंजूर नहीं था और उसका दूसरा पति दिमागी बुखार के वजह से मर गया। रुंझुन बेचारी एक बार फिर विधवा होकर अपने घर आ गई। इस बार गांव वालों ने उसे माफ नहीं किया, लोगों ने उल्टी सीधी बातें बनानी शुरू कर दी और बेचारी रुंझुन के लिए जिंदगी मुश्किल कर दी। वो बहुत मॉडर्न और आजाद ख्याल की लड़की थी और इस सब को अपना कसूरवार नहीं समझती थी। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था, जिंदगी मौत तो भगवान के हाथ में होती है। मैं रुंझुन के बारे में यही सोचती थी कि इस हादसा को 5 साल गुजर गए, बहुत दिनों तक उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आया। फिर अचानक एक दूसरे गांव से उसके लिए एक रिश्ता आया और रुंझुन के घर वालों ने फौरन हाँ कर दी कि गांव वालों की वजह से यह रिश्ता भी हाथ से ना निकल जाए। फिर एक बार रुंझुन की शादी तय हो गई, यह उसकी तीसरी शादी थी। रुंझुन के किस्से आए दिन सुनने को मिलते रहते थे। मैं जब भी रुंझुन के बारे में सोचती तो मुझे उससे हमदर्दी होती। यह जो कुछ भी हो रहा था इसमें रुंझुन का कोई कसूर नहीं था, शायद किस्मत में यही लिखा था। एक बार फिर वही हुआ जो होता आ रहा था। रुंझुन का तीसरा पति भी बिजली लगने की वजह से मर गया और रुंझुन एक बार फिर विधवा का दाग लेकर अपने मम्मी पापा के घर आ गई। इस हादसे के बाद गांव वाले रुंझुन से दूर रहने लगे, जहां भी रुंझुन को देखते अपना रास्ता बदल लेते। यहां तक कि उसके माँ बाप भी उसको मनहूस समझने लगे थे। जिस तरह सब गांव वालों को सोनू के बारे में यह लगता था कि वो खुद अपनी पत्नियों को गायब करता है, इसी तरह रुंझुन के बारे में भी सबको यही लगता था कि वो खुद अपने पतियों को जान से मार रही है। हमारे घर वाले जो कि उस गांव में नए थे, इसीलिए रुंझुन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। बस इतना जानते थे कि रुंझुन के 3 पतियों की डेथ हो गई है। हमें भी अपने देवर की शादी कहीं ना कहीं तो करनी थी, इसीलिए हमारे सास ससुर सोनू का रिश्ता लेकर उसके घर गए। उसके मम्मी पापा पहले से ही रुंझुन को लेकर परेशान थे, क्योंकि रुंझुन से कोई शादी करने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो सोनू का रिश्ता देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने हाँ कर दी। सोनू और रुंझुन की शादी तय हो गई। 5 दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। वो दोनों एक दूसरे की सच्चाई से अनजान थे, लेकिन गाँव वाले सब जानते थे, रुंझुन के बारे में भी और सोनू के बारे में भी। गांव वाले बहुत खुश थे कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। रुंझुन के 3 पति मर चुके थे और सोनू की 3 बीवियां भाग चुकी थी और वो खुश थे कि यह लोग आपस में शादी कर रहे हैं। देखते हैं अब पहले कौन मरता है, अब पता चलेगा कि कौन कितना मनहूस है। सोनू और रुंझुन की शादी हो गई, अब देखते हैं कि पहले कौन मरता है, ताकि एक दूसरे की हकीकत का पता चल सके। सोनू शादी के बाद रुंझुन को अपने घर ले आया। रुंझुन जाकर कमरे में बैठ गई और सोनू बाहर मेहमानों के पास चला गया और रुंझुन काफी देर तक कमरे में अकेली बैठी सोनू का इंतजार करती रही, लेकिन सोनू अंदर नहीं गया, वो काम में व्यस्त था। 2 घंटे बाद जब वो काम से फ्री होकर कमरे में गया, कमरे में दाखिल होते ही सोनू को एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने रुंझुन घूंघट लिए बैठी थी। सोनू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और रुंझुन के पास आकर बैठ गया। रुंझुन का हाथ पकड़कर प्यार से कहा, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मैं जरा मेहमानों में व्यस्त हो गया था। रुंझुन शर्माते हुए नजर झुका दी और हल्की आवाज में बोली कि चलो कोई बात नहीं, आप देर से ही सही मगर आए तो। रुंझुन की बात सुनकर सोनू मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हैं आप? रुंझुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सोनू बोला, मैं भी ठीक हूँ। सोनू बोला, मैं तो ठीक हूँ, और आपका कब तक घूंघट में रहने का इरादा है? क्या घूंघट नहीं उठाएंगी? रुंझुन ने हंसते हुए कहा, ऐसे घूंघट नहीं उठाऊंगी, पहले मुँह दिखाई का तोहफा दो। सोनू मुस्कुराया और अपने जेब से सोने की अंगूठी निकाल कर रुंझुन को पहना दिया और रुंझुन ने अपने चेहरे से घूंघट ऊपर उठा दिया और फिर दूध का गिलास सोनू को दिया। सोनू ने रुंझुन का धन्यवाद किया और दूध उसके हाथ से ले लिया और पीने लगा, लेकिन दूध का एक घूंट लेते ही सोनू का दूध का स्वाद थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और सारा दूध पी लिया।
फिर सोनू ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट बंद कर दी और वह दोनों एक ही बेड पर सो गए। सोनू ने रुझुन का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाया और फिर अपना मुंह खोला और रुझुन का हाथ अपने मुंह में डालकर काटने लगा। रुझुन ने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था कि सोनू ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, उसे चीखने से रोक दिया और बड़ी बेदर्दी से अपने मुंह में लेकर खाने लगा। लेकिन रुझुन के हाथ का मांस खाते हुए सोनू को ऐसा लगा जैसे रुझुन के हाथ से खून नहीं निकल रहा था। रुझुन ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और उसे धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। रुझुन ने गुस्से से सोनू की तरफ देखा जो कि बेड के नीचे पड़ा था। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक आदमखोर हो जो इंसान का मांस खाता है। उसने बौखला कर रुझुन की तरफ देखा। वो अपना राज खुल जाने की वजह से गुस्से में था। रुझुन बोली, तुमने अपनी पिछली 3 पत्नियों को मार करके उनका मांस खाया है और उनकी लाशों को गायब कर दिया और लोगों को लगता है कि तुम पर ऊपरी साया है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा भी मांस खाओगे? सोनू ने हंसते हुए रुझुन की तरफ देखा जो हंसते हुए सोनू की तरफ देखे जा रही थी। फिर सोनू ने घबराए हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानती हो? रुझुन ने घूरते हुए सोनू की तरफ देखा और कहने लगी कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन हूँ, और अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं रहोगे। सोनू रुझुन की बातें सुनकर हैरान हुआ और काटते हुए बोला, तुम्हारे जिस्म से खून क्यों नहीं निकल रहा? देखो रुझुन, मैं जानता हूँ कि तुम भी कोई इंसान नहीं हो, सच सच बताओ तुम कौन हो? रुझुन जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा कि तुमने ठीक समझा, मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक डायन हूँ और आज तुम एक डायन के हाथों अपनी जिंदगी खत्म करने वाले हो। आज तक तुमने अपनी 3 पत्नियों को मारा है, लेकिन अफसोस आज तुम्हारी 4थी पत्नी के हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे रुझुन का रंग बदलने लगा। वो एक खूबसूरत लड़की से एक डायन का रूप ले चुकी थी। बड़े बड़े दांत बाहर आ गए, उसके मुंह से खून टपकने लगा। उसे देखकर सोनू एक पल के लिए डर गया और फिर संभल कर बोला कि अगर मैंने अपने 3 पत्नियों को मारकर उनका मांस खाया है तो तुम कौन सी दूध की धूली हो? तुमने भी अपने 3 पतियों को मारकर उनका खून पिया है, लेकिन याद रखना तुम मेरा खून कभी नहीं पी सकोगी। वो डायन सोनू की बात सुनकर हंसती हुई बोली, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारी पत्नी बनने के लिए की है? मैंने तो शादी तुम्हारा खून पीने के लिए की है, जैसे मैंने अपने बाकी पतियों का खून पिया है। ऐसे ही मैं इंसानों का खून पीकर ताकतवर डायन बन जाऊंगी। मेरे जिस्म में शैतानी ताकत आ जाएगी और आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। सोनू गुस्से से खड़ा हुआ और रुझुन उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सोनू ने रुझुन को जोर से धक्का दिया और रुझुन फर्श पर जाकर गिर पड़ी। सोनू गुस्से से बोला, तुम जो सोच रही हो कि तुम एक डायन हो और तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा है, मत भूलो कि मैं भी अपनी 3 पत्नियों को मारकर जिंदा खाया है। मैं एक आदमखोर हूँ और तुमने एक आदमखोर से पंगा लिया है। डायन, अब तुम खौफनाक मौत मरोगी। यह कहकर सोनू ने डायन का बाल पकड़ा। डायन अपने लंबे लंबे नाखून सोनू पर मारने लगी। वो दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे। फिर सोनू ने डायन को जोर से धक्का दिया और उस डायन ने जब उठकर सोनू को मारा, सोनू फर्श पर गिर पड़ा। फिर वो डायन लंबे लंबे नाखून के साथ सोनू की तरफ बढ़ी और सोनू के जिस्म पर बैठ गई। फिर उस डायन ने अपने दांत सोनू के पेट पर रख दिए और सोनू को काटने लगी। सोनू ने एक जोरदार चीख मारी और उस डायन के बाल पकड़ लिया और हिम्मत करके खड़ा हुआ और उस डायन को मारने लगा। और फिर सोनू ने उसे पकड़ा और बेड पर गिराया और उसने अपने दांत डायन के गर्दन पर रखे और डायन को काटने लगा। उस डायन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और सोनू का हाथ पकड़कर अपने मुंह में काटने लगी और सोनू का हाथ पकड़कर अपने मुंह में लिया और काटने लगी। डायन ने इतनी जोर से सोनू का हाथ काटा कि सोनू का हाथ जिस्म से अलग होकर गिर गया। सोनू और डायन 2 घंटे तक एक दूसरे से लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे। कभी सोनू उस डायन को काटता तो कभी वो डायन सोनू को मारने लगती। वो दोनों आपस में लड़ते रहे। लड़ते लड़ते दोनों थक गए। सोनू ने आखिरी में कैंची उठाकर उस डायन के सर पर मारा और वो डायन वहीं तड़प तड़प कर मर गई। सोनू लड़ते लड़ते खुद भी थक चुका था, इसीलिए खुद भी वहां गिर पड़ा।
सोनू के जिस्म से हर तरफ से खून निकल रहा था और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खून को रोक पाता या किसी को आवाज देकर कमरे में बुलाता। देखते ही देखते उसका ज्यादा खून बहने की वजह से वो मर गया। वो दोनों आदमखोर और डायन उसी कमरे में पड़े रहे। अगली सुबह घर वालों को उनकी लाश मिली, लेकिन गांव वालों का आदमखोर और डायन से जान छूट गई। यह हमारे गांव का सबसे भयानक और अजीबोगरीब हादसा था जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सका। और हम आज भी आदमखोर और डायन की यह कहानी सुनकर हैरान होते हैं। लेकिन यह पूरी कहानी सुनने के बाद आप लोग यह सोच रहे होंगे कि वो दोनों जब कमरे में लड़ते रहे तो गांव वालों को इस बात का कैसे पता चला, क्योंकि वो दोनों तो मर गए थे। जाहिर है उन दोनों में से किसी ने तो इस बात को नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, दरअसल गांव वालों ने मिलकर रुझुन और सोनू के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए थे ताकि पूरे गाँव वालों को उन दोनों की हकीकत का पता चल सके। उन दोनों की लड़ाई और सारी बातों की रिकॉर्डिंग हो गई थी, इसीलिए उन दोनों की कहानी पूरी दुनिया को पता चल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।